सुबह के नाश्ते से लेके रात के डिनर तक रोज़ का खाना बना बना के एक टाइम पे समझ ही नहीं आता है कि आज खाने में नया क्या बनाया जाए। और जब घर में कोई भी हरी सब्जी ना हो तो ऐसे में बनाए तो बनाए क्या। तो आज मैं आपके लिए बिना किसी हरी सब्जी का यूज़ किए हुए मूंग दाल की एक ऐसी यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो हेल्दी है, टेस्टी है और बनाने में बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है एक गिलास पानी। अब इसमें जाएगा करी बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मैंने यहाँ पे टमाटर लिया जिसका मैंने ऊपर का पार्ट कट कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्च और एक टुकड़ा अदरक का तीखेपन के लिए। साथ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं जैसे दो हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज़पत्ता। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा करी में हमारे। साथ में डाल देंगे टेस्ट को और बढ़ाने के लिए 8 से 9 मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं। काजू डालना ऑप्शनल है। अब हम क्या करेंगे, पहले गैस को ऑन कर देंगे और सभी चीज़ों को मिला देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से पकाना है ताकि सभी चीज़ें पक जाए और जो हमने खड़े मसाले ऐड किए ना उनका सारा फ्लेवर जो है पानी में आ जाए। जब तक ये पक रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी मूंग की दाल। मूंग की दाल हेल्दी होती है, खाने बहुत टेस्टी होती है और डॉक्टर भी रिकमेंड करते खाने के लिए। तो मैंने क्या किया था, मूंग दाल को साफ़ करके आधे घंटे के लिए पानी में सोख कर लिया था। ये देखिए मूंग की दाल पानी में बहुत ही जल्दी फूल जाती है, तो आधा घंटा इनफ रहता है। अब क्या करेंगे, जितना एक्स्ट्रा पानी दाल में है निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी दाल का जितना पानी था निकाल दिया है, दाल साफ़ हो गई है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए इसको डाल देंगे मिक्सी के जार में, लेकिन जार में पीसने से पहले हम इसमें डाल देंगे बाकी के फ्लेवर। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टुकड़ा प्याज का, तीखेपन के लिए 1 हरी मिर्च लिए मैंने, साथ में डाल देंगे 1 टुकड़ा अदरक का और दाल को अच्छे से ग्राइंड करने के लिए डाल देंगे इसमें हम 2 चम्मच पानी। और ये देखिए मैंने यहाँ दाल को एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। दाल को पीसते समय बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जितना कम पानी डाल के आप दाल को पीसेंगे दाल एकदम थिक रहेगी, क्रीमी रहेगी और जो शेप आएगा पकौड़ों का वो एकदम परफेक्ट आएगा। दाल अच्छे से पिस गई है, अब इसको निकाल लेंगे हम एक बर्तन में। अब इसमें ऐड करेंगे हम बाकी के फ्लेवर। तो मैंने यहाँ पर दाल को निकाल लिया एक बड़े से बर्तन में। इसमें डाल देंगे हम 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला, साथ में डाल देंगे 1/4 नमक, बाकी के नमक हम करी में यूज़ करेंगे, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दाल जो है हमने पीसी ना मूंग की दाल वो हल्की हो जाए और सारे जो फ्लेवर है अच्छे से मिक्स हो जाए दाल के अंदर। और यहाँ सारे मसालों के साथ दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया लगभग 2-3 मिनट के लिए। दाल बहुत हल्की सी हो गई है, साथ ही साथ सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं दाल के अंदर। तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहे इसको तेल में फ्राई कर लीजिए फिर यूज़ करिए ग्रेवी के अंदर, लेकिन मैं आपको बिना फ्राई किए बहुत ही हेल्दी तरीके से बना के दिखाऊंगी सब्जी जो कि बहुत टेस्टी होती है और खाने में तो हेल्दी है ही। तो अब इसको रख देंगे हम साइड में। अब देख लेते हैं हम जो बाकी चीज़ें हमने पानी में बॉयल की थी करी के लिए। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, सभी चीज़ें पानी में अच्छे से बॉयल हो गई है, सभी चीज़ें कुक हो गई, नरम सी हो गई हैं, साथ साथ जो खड़े मसाले थे उनका सारा फ्लेवर पानी में अच्छे से आ गया है। ये देखिए छिलका भी हट गया टमाटर का। तो गैस को बंद करके सभी चीज़ों को निकाल लेंगे हम प्लेट में। तो ये देखिए तो यहाँ पे सभी चीज़ों को निकाल लिया मैंने प्लेट में, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जो हमने खड़े मसाले हैं उनको मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है। जो खड़े मसाले थे उनका जो फ्लेवर था पानी में आ ही गया है, तो हम केवल हरी इलायची और लाल मिर्च को पीसेंगे, इससे फ्लेवर भी आएगा और तीखापन भी आएगा। और बाकी जो खड़े मसाले हैं जैसे दालचीनी हो गया, लौंग, तेजपत्ता, इनका जितना फ्लेवर था पानी में आ ही गया है तो उनको हम नहीं यूज़ करेंगे। अब पानी को हम रख देंगे साइड में, इसको हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे, खड़े मसालों को हटा देंगे। अब फिर से गैस पर रखेंगे सेम कढ़ाई, इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच तेल। सब्जी बहुत ही हेल्दी है, तेल बहुत ही कम यूज़ करेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग डाल देंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं आपको सूखे मसाले दिखा रही हूँ जो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल बेसिक मसाले मैंने लिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, 1/4 मैंने यहाँ पे नमक लिया है, 1/4 मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आता है। और टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1/4 मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और सूखे मसाले ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। लो फ्लेम में भूनें ताकि जो मसाला जल ना जाए, लेकिन मसाला अच्छे से तेल छोड़ दे, मसाला अच्छे से भून जाए। तो जो मैंने
मसालों वाला पानी था ना, मैंने वही यूज़ किया है, अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया, तेल छोड़ दिया है। अब इसमें जाएगा करी का पेस्ट जो हमने बनाया था। तो ये जो मसाला हमने बनाया है ना करी वाला, ये पहले से पका हुआ ने बॉयल किया था, सारे जो मसाले अच्छे से पके हुए हैं, तो आपको बहुत देर तक भूनने की जरूरत नहीं है। तो मसाला हमने भून ही लिया है और जो ये पेस्ट है पहले से पका हुआ है, तो आपको बहुत देर तक कढ़ाई में भूनने की जरूरत नहीं है। तो बस हम क्या करेंगे, अच्छे से मिलाने के बाद में जितना लगा है कटोरी के अंदर मसाला वाला पानी जो था मैंने सब ऐड कर दिया है, अच्छे से मिला देंगे। और क्या करेंगे हम, लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे और बीच बीच में खोल खोल के चलाते रहेंगे ताकि जो मसाला है तले चिपक के जल ना जाए। अच्छे से मिला देंगे और तेल छोड़ने तक हमको भूनना है मसाला। और यहाँ लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं, मसाला कितने अच्छे से भुन गया, तेल सेपरेट हो गया है, ये देखिए अच्छे से मिला देंगे। तेल अलग हो गया मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। मसाला भुनने के बाद में अब इसमें डाल देंगे टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी, हल्का सा मिला देंगे। तो यहाँ पे जो मसाला है बनके तैयार हो गया है। अब इसमें जाएगा ग्रेवी के लिए पानी, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास के नाप से 1.5 गिलास पानी, क्योंकि हम इसके साथ में ही मूंग की दाल की वड़ी को पकाएंगे, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, मसाला भी पक जाए, मूंग की दाल की जो वड़ी वो भी पक जाए, तो इसलिए पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। अच्छे से मिला देंगे और पानी को पहले अच्छे से उबलने देंगे। जब पानी में अच्छे से उबाल आने लगेगा फिर हम अच्छे से मिला देंगे मसाले को। अब मैंने यहाँ पे ली है दूध पे रखने वाली जाली वाली प्लेट, जो कि घर में आराम से मिल जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो जो प्लेट आपकी कढ़ाई में फिट हो जाती है ना अच्छे से, वो आप यूज़ कर लीजिएगा। हल्के से ऑयलिंग कर देंगे ताकि जो हमने स्टीम करेंगे पकौड़े ना, वो जाली भी चिपक ना जाए। तो ये देखिए पानी उबल रहा है, दाल तैयार है। अब हम बनाएंगे इसकी वड़ियाँ। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई हो, हेल्दी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे वड़ियाँ डाल दी मैंने। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप चाहे बीच में चेक कर सकते हैं। और ये देखिए मसालों का जो फ्लेवर था वड़ियों में आ भी गया है, और चेक भी कर लिया तो ये देखिए वड़ियाँ अंदर तक पक गई हैं और इतनी नरम बनी है कि बस मुँह में जाए मक्खन की तरह घुल जाए। और ये देखिए जो हमने ऑयलिंग की थी ना, उनसे कोई भी वड़ियाँ थाली चिपकी नहीं है जाली के ऊपर, अच्छे से निकल जा रही हैं। तो यहाँ पे बढ़िया पक गई हैं, अब इसको डाल देंगे हम ग्रेवी के अंदर। तो मैंने ग्रेवी चेक कर ली थी, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आपको ग्रेवी कम लगे तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिएगा, फिर आप गर्म गर्म ग्रेवी में ही बढ़िया डालिएगा, ठंडे ग्रेवी में मत डाल दीजिएगा। तो ये देखिए बढ़िया एकदम परफेक्ट है, ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम ढक के अच्छे से पकाएंगे ताकि बढ़ियों के अंदर तक फ्लेवर आ जाए। और यहाँ मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और हल्का रेस्ट करने के बाद खोलेंगे। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी लेकिन बहुत बहुत शानदार हमारी मूंग दाल मसाला करी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। तो मैंने इसको सर्व कर लिया है, इसके ऊपर लगा दिए मैंने हल्का देसी घी का तड़का ताकि सब्जी और टेस्टी लगे, लुकिंग अच्छी लगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही हेल्दी टेस्टी मूँग दाल मसाला वड़ी बन के तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ में और भी शेयर करती रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।